सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर अपने विचार रखने का, अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखने का मौका दिया। ये द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल 2019, इस पर विचार हो रहा है। आप सभी अवगत हैं कि आर्टिकल 16(4) में एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन का प्राविधान है और उसी के तहत टीचर्स के अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन का व्यवस्था है। यूजीसी ने 1967 से लगभग 67-65 से ये व्यवस्था की थी कि रिक्त पदों की, आरक्षित पदों की का आकलन पूरी यूनिवर्सिटी को एक आधार मानकर की जाएगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज को आधार मान के की जाएगी और ये व्यवस्था लगातार चलती रही। हाईकोर्ट इलाहाबाद में ये मामला पहुंचा और अप्रैल 2017 में उन्होंने एक आदेश पारित किया। अपील में गए लोग तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और वो अंतिम आदेश हो गया। इसी बीच में यूजीसी ने उस पर तत्काल आदेश जारी करने के बजाय अध्ययन कराया, 21 यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके अध्ययन किया और ये पाया इससे एससी एसटी ओबीसी का अहित होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आदेश जारी किया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो हमने अध्ययन कराया है, फिर भी ये डिपार्टमेंट को एक आधार मानकर आरक्षित पदों का आकलन किया जाएगा और 13-पॉइंट रोस्टर उसमें लागू किया। 13-पॉइंट रोस्टर में आपको मालूम होगा कि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर पर ओबीसी, 7 नंबर पर शेड्यूल्ड कास्ट और 14 नंबर पर एसटी, लेकिन 13 नंबर तक कई रोस्टर है, 13-पॉइंट रोस्टर है, तो 14वें नंबर का कभी अवसर नहीं आएगा और हर बार एसटी को इग्नोर किया जाएगा। तो एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। एक्ट के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो अपर कास्ट के हैं उनको आरक्षण अब बहाली के लिए यूनिवर्सिटी को आधार मानकर, कॉलेज को आधार मानकर रिक्त पदों के का आकलन करने का प्राविधान किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि 13-पॉइंट रोस्टर के जगह 200-पॉइंट रोस्टर इससे लागू होगा। ये भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको खुलासा करें, क्योंकि इसमें रोस्टर पॉइंट्स का, कौन सी रोस्टर प्रणाली लागू होगी उसका उल्लेख नहीं होता, नहीं है, तो इसका आदेश किस प्रकार शीघ्र जारी करेंगे उसका भी मैं समझता हूँ उल्लेख करना चाहिए। 2 मार्च 2019 को ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसकी व्यवस्था को बहाल किया गया। ऑर्डिनेंस के ऊपर आपत्ति जताई हमारे साथियों ने और ये आपत्ति सही भी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस से पहले जो सत्र हुआ था जिसमें माननीय तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर मौजूद थे, अब नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि नहीं, हम पुरानी प्रणाली को बहाल करेंगे और जो व्यवस्था है डिपार्टमेंट वाइज आकलन करने की उस व्यवस्था को समाप्त करेंगे। अगर उस सत्र में, क्योंकि उठाया गया था से पहले, तो बिल लेकर भी आ सकते थे उसमें और मांग की थी
कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप होना चाहिए और बिल लाकर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं लेके आए। घोषणा के, चुनाव की घोषणा के एक सप्ताह से पहले आप ऑर्डिनेंस लेके आए, जिससे जाहिर है कि आपका मंशा राजनीतिक था, कोई जो एम्पावरमेंट करने का, जो सशक्तिकरण करने का जो मांग थी उसको पूरा करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि चुनाव क्योंकि आ गया और चुनाव आपने ऑर्डिनेंस लाने के एक सप्ताह बाद उसकी घोषणा हो गई, तो आप चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ये करते रहे, ये ऑर्डिनेंस लेके आए। मैं एक विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि जब हाईकोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाई, आपने अध्ययन कराया 21 विश्वविद्यालयों का और आपने आदेश कर दिए कि विभागवार उसका आंकलन किया जाएगा, 13-point रोस्टर होगा, आरक्षण लगभग समाप्त हो गया, तो यूनिवर्सिटीज ने धड़ाधड़ विज्ञापन जारी किए। पहले हम निवेदन करते रहे, अनुरोध करते रहे कि SC ST OBC का जो बैकलॉग की वैकेंसीज हैं उसको, आरक्षण को पूरा करने के लिए आप व्यवस्था करें, उसका रिक्रूटमेंट करें, विज्ञापन निकालें, नहीं निकालें। लेकिन जो ही आरक्षण की व्यवस्था बदली, आरक्षण की व्यवस्था सीमित हो गई, जब देखा कि अधिकांश सब बगैर आरक्षण के ही सब रहेगा, तो धड़ाधड़ फटाफट वो विज्ञापन जारी होने लगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मानसिकता को त्यागना चाहिए। और अध्यादेश जारी होने के बाद भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए जावेद साहब, इन्होंने मामला उठाया था कि अध्यादेश जारी हो गया, पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई, 200 रोस्टर प्रणाली आपकी रिस्टोर हो गई, अब विभाग के बजाय यूनिवर्सिटी या विश्व कॉलेज वो एक मानक माना जाएगा रिक्तियों के निर्धारण के लिए। उसके बावजूद बिना आरक्षण के एडवर्टीजमेंट जारी हुई है, जिसमें जनरल सब भर्ती करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल हाउस में उल्लेख कर बताने की बात नहीं है, बल्कि मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए। कितने पद हैं? आपने बताया है कि हायर एजुकेशन में 14,07,373 टीचर्स के पद हैं, उसमें से 3,44,714 पद रिक्त हैं, काफ़ी पद रिक्त हैं, जिसमें से 7,000 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अकेले 7,000 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिक्त हैं। और अगर ये देखा जाए तो SC का केवल 8.6% हैं, ST की 2.7% हैं, जनरल 56% हैं, और बाकी का अंतर निकालेंगे तो OBC का मिलेगा। कोई भी जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए आरक्षण पूरा नहीं है, जो निर्धारित आरक्षण है वो पूरा नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये रिक्तियाँ कब तक भरी जाएंगी, 3,44,000 जो कि राज्यों की यूनिवर्सिटी भी होंगी, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 7,000 पद हैं, कुल मिला के 3,44,714 पद हैं, इनको कब तक भरा जाएगा? और दूसरा, जैसे मैंने उल्लेख किया, बहुत से पद हैं जो SC ST OBC के बैकलॉग वैकेंसीज हैं। व्यवस्था है, संविधान में भी उसकी व्यवस्था है कि बैकलॉग वैकेंसीज को भरने के लिए 50% की कायद कंडीशन लागू नहीं है, 100% अगर OBC के 7,000 पद बाकी हैं तो 7,000 पद के लिए बैकलॉग है, पुराना आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, तो 7,000 पदों के लिए 100% आरक्षित OBC के लिए वो करने का प्राविधान है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट इस तरह का SC ST OBC के लिए, एक तो कितना बैकलॉग है और वो कब तक भरा जाएगा, इसका भी मैं चाहूँगा कि आप अवश्य करें। अब देखने को ये रहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में
टेम्परेरी वैकेंसीज देती, टेम्परेरी टीचर्स के रूप में आपने नियुक्ति कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट संविदा के ऊपर अपॉइंटमेंट कर लिया गया, और कुछ जगह तो प्रथा है गेस्ट टीचर्स, हरियाणा में और कुछ प्रदेशों में गेस्ट टीचर्स की व्यवस्था कर ली, उन पर आरक्षण लागू नहीं होता क्योंकि वो नियमित पद नहीं है, इसलिए उनके ऊपर आरक्षण नहीं लागू। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जो इस तरह के टेम्परेरी वैकेंसी, टेम्परेरी पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स, गेस्ट टीचर्स और इस तरह से जो लगाए जाते हैं पार्ट टाइम, वो कितने हैं और उनको मैं आरक्षण लागू करने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी एक टीचर्स की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे कोई न कोई ऐसी व्यवस्था निकाल ली जाती है जिससे कि आरक्षण हमको पूरा ना करना पड़े। और जो इसमें एक्ट में ये लिखा है सेक्शन 41A, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू दिस एक्ट। और ये 8 इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट लगा रखी है। हम मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसको अलग महत्व है, महत्व रहना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों मान के चलते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एसटी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं मिलेंगे और उनको इनसे पृथक रखा जाए? ये मानसिकता गलत है। क्यों आप उनको एक्सक्लूड करते हैं? आप व्यवस्था रखिए, अगर नहीं मिलते हैं कैंडिडेट, कि उसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित है, उसमें अगर अनुभव निर्धारित है तो वो भी निर्धारित है, अगर कोई पूरा करता है तो वो उसका नियुक्ति होनी चाहिए, अन्यथा ये उनको एक्सक्लूड कर देना पूरी तरह से, वो किसी तरह से भी सही नहीं है। और कुछ पद ऐसे भी होंगे जो हाईली स्किल्ड कैटेगरी के नहीं होंगे, जिसमें आरक्षण दे दिया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई, इस तरह से पोस्ट कर ली जाए? क्योंकि ये बिल केवल टीचर्स के लिए है, दूसरे स्टाफ के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा स्टाफ, दूसरी तरह का स्टाफ, जो क्लरिकल स्टाफ है, जो चपरासी है, क्लास 4 के हैं या और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था संभवतः इन इंस्टीट्यूशंस में भी होगी। और अगर नहीं होगी तो कृपया करके इसको अवश्य देख लिया जाए। और एक ये जो बिल है, इसी में लिखा है कि ये एप्लीकेबल है इन सर्टेन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश, मेंटेन, एडिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए आपने व्यवस्था कर दी है। हाई कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मोहर लगी, और मैं समझता हूँ कि अब वो पूरे देश भर के लिए एक कानून है। आपने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी इसका अहित ना हो रहा हो, आप केंद्र सरकार से, मैं समझता हूँ कि आपकी भी जिम्मेवारी है कि राज्य सरकारों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी ये व्यवस्था लागू हो, जो परिवर्तित व्यवस्था है। और दूसरा, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी उससे संबंधित चर्चा हो रही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विशेष रूप से ऐसी घटनाएं होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के साथ उत्पीड़न होता है, विशेष रूप से उनको आइडेंटिफिकेशन करके, उनको विशेष रूप से टारगेट करके उनका उत्पीड़न होता है। रोहित वेमुला का केस एक बहुत स्पष्ट है और उस पर आरोप बिल्कुल अलग अलग लगे कि कुछ एक संगठन विशेष की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत की गई, उनको टारगेट किया गया,
उनको निष्कासित किया गया, हॉस्टल में भी सुविधा लेने से मना किया गया और उस पर माननीय पुनिया जी आपकी पार्टी की तरफ से 15 मिनट का समय था, दो और वक्ता है, कृपया कॉन्क्लूड करिए। मुंबई के डॉक्टर तड़वी उस तरह की भी घटना जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाते हैं, केंद्र सरकार ने उसमें भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए, वो नहीं रही है। रोहित मुंबला के केस में उनके साथ खड़ा होने के बजाय उनके खिलाफ उनको ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि वो एससी नहीं था, वो ओबीसी था। अगर ओबीसी था भी तो क्या किस संगठन को यह अधिकार है कि उसका उत्पीड़न इस सीमा तक किया जाए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं चाहूँगा कि इसमें भी इस तरह की कोई पॉलिसी हो, विशेष व्यवस्था हो कि इस तरह के उत्पीड़न की घटनाएं ना हो। और अधिक बात ना कहते हुए, बहुत इसकी बिल की प्रतीक्षा थी, इसको आप नए एचआरडी मिनिस्टर अपना पहले ही इसको लेके आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और इसका स्वागत करता हूँ कि ये बिल आप लेके आए हैं, और इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।